इंशाल्लाह तरक्याती मंसूबा है। 250 अरब रुपए खर्च की गई है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हाथ में कुछ भी नहीं। ये पैसे आखिर कहाँ से जनरेट होंगे? बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ेगी जो मॉनिटरिंग करे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बहुत वीक और कैपेसिटी का इशू। जी दबंग टीवी का बहुत शुक्रिया आज इस अहम मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती मंसूबा है, जो बजट है, जिसकी पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म के थ्रू इसकी मंजूरी हो गई है और वज़ीर आज़म साहब जो है अगले हफ्ते से, बल्कि इसी हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। अभी इसके डिटेल्स फाइनल नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये वज़ीर आज़म साहब ख़ुद जाएंगे और इस तरक्याती बजट का, तरक्याती मंसूबे का ऐलान करेंगे। ये 5 साल तरक्याती मंसूबा है जिसमें 250 अरब रुपये की खतीर रकम मुख्तस की गई है। अब हम अपने नाज़रीन को इस जो 250 अरब बिलियन या 250 अरब जो रुपए हैं उसकी मजीद जो ब्रेक डाउन है वो आपके सामने पेश करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स पे कितना पैसा मुख्तस किया गया है। तो 250 अरब में से हमारे पास जो तफसीलात है उसके मुताबिक जो 47.7 अरब रुपए जो हैं वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है उसके थ्रू एलोकेट किए जाएंगे और तकरीबन 91.7 अरब रुपए जो हैं जो है फेडरल जो वफाकी PSDP के थ्रू पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू जो है ये दिया जाएगा, जबकि 110.5 अरब रुपए जो हैं वो वफाकी हुकूमत का जो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू इसको एलोकेट किया जाएगा। अब इसके अगर मज़ीद हम तफसीलात में जाएँ तो ये बात अगर आप इसको सेक्टोरल लाइन पे ले आएँ तो अब देखें कि इसमें एनर्जी के हवाले से 86.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, रोड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 110.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह और टूरिज़म है और सेक्टर्स है उस पर भी काफ़ी जो है अमाउंट उन्होंने एलोकेट किया। लेकिन अब इसमें दो बड़े मॉडल्स हैं, एक तो PSDP का है जिसके ज़रिए वफाकी हुकूमत इनको देगी, गिलगित गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को, और दूसरा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है ये बुनियादी तौर पे एक इसको शामिल किया गया, लेकिन इसके फंड्स अवेलेबल नहीं है, ये इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे और इन्वेस्टर के थ्रू, लेकिन उन्होंने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ईयर मार्क किया फ़ंड को और वो फ़ंड्स कहाँ से जनरेट होगा उस पर डिटेल में अभी तफसीलात आने बाकी हैं। वो कैसे जनरेट होगा, क्या रोड मैप होगा, उस पर बातचीत होगी। ये जो 250 बिलियन रुपीस है या 250 अरब जो रुपए हैं ये, इसमें से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो पहले से चलने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो बीच में बंद हो गए थे, जैसे पावर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, हैंजल पावर प्रोजेक्ट था का KIU 100 मेगावाट का था, इसी तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो बीच में रुक गए थे और गिलगित चित्राल जो एक्सप्रेसवे था उस पर काम पिछले PSDP से निकाला गया था। ये बताया गया था कि रकूम की अदम दस्याबी की वजह से, माशी जो क्राइसिस है पाकिस्तान को, उस वजह से ये काम नहीं होगा, उसको दोबारा रखा जाएगा। तो उसमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पहले ही जिसका फैसला हुआ था, पिछले 3-4 साल से चल रहे थे, उनकी फाइनेंसिंग की बात है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जैसे टूरिज़्म के हवाले से, टूरिज़्म डेवलपमेंट के हवाले से, लोकल मुख्तलिफ जगहों पर इंटरनेट फैसिलिटी पहुँचाने के हवाले से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस रोड बनाने के हवाले से, ये कुछ नए मनसूबे भी हैं जो इस पूरे बजट के अंदर शामिल हैं। यहाँ पर फिर स्किल डेवलपमेंट लाइवलीहुड के हवाले से लोगों के, नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट में फोकस करके कुछ प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें दोनों सॉफ्ट और हार्ड कंपोनेंट है। हार्ड कंपोनेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट हैं, सॉफ्ट कंपोनेंट में जो है स्किल डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस है। तो ये सारे प्रोग्राम्स अभी इस वक्त जो है ये एक रोड मैप हमें नज़र आता है, ये जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हैं इनके साथ और उनके काबिना के कुछ मेंबर्स के साथ
वफाकी दारकूमत में असद उमर और के साथ काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कशन की है और वज़ीर आज़म साहब ने फाइनली इस मंसूबे की मंजूरी ऑफिशली मंजूरी दे दी है और इस पर जो काम होगा वो हमें फिर आगे देखना पड़ेगा क्या इस पर कैसा अमल होता है। तो सबसे बड़ा मसला है ना वो है आपका जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस आपका है वफाकी हुकूमत के साथ। आपके पास जो भी पैसा आता है वो डिविजिबल पूल से आएगा और उसमें जो बड़े सूबे हैं वो इसकी मुखालफत अभी के पी के हुकूमत की तरफ से पंजाब की हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, सिंध की तरफ से भी आ रहे हैं कि भाई जी बी के लिए जो एलोकेट किया जा रहा है कि वो हमारे डिविजिबल पूल पे उसका इम्पैक्ट ना हो। तो आपकी चूँकि नुमाइंदगी नहीं है और आप कॉन्स्टिट्यूशनली उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, उस डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में आप मशावरत में शामिल नहीं होते तो और आपका वोट काउंट नहीं होता, क्योंकि होता यह कि आप सेनेट में और नेशनल असम्बली में अगर आपकी नुमाइंदगी होती तो फिर आप जो भी बजट एलोकेशन होता तो आप को मजबूरन हुकूमतों को देना पड़ता जैसे और प्रोविंसेस को होता, लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ा हिच एक तो ये है, दूसरा लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बिल्कुल ही एक क्रिपल्ड सिस्टम है। यहाँ पे आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल गवर्नेंस का निज़ाम है वो बिल्कुल ही नापेद है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती, बहुत ही एक सेंट्रलाइज्ड निज़ाम है और उस सेंट्रलाइज्ड निज़ाम के अंदर भी जो कंट्रोल नज़र आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। जो गवर्नेंस का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इवन जब आप असम्बली में मीटिंग्स करते हैं तो बहुत सारे सेक्रेटरीज जाते भी नहीं उनको बुलाने पे भी, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कोई पावर नहीं था। तो इस तरह के जो डिसएम्पावर्ड निज़ाम के अंदर एक तो फंड एलोकेशन आपने किया लेकिन बड़ा वल्नरेबल, आप फंड कहाँ से जनरेट करेंगे, मसलन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आपने बात की है तो वो तो आपका एक एस्टिमेटेड फिगर है कि इतना खर्चा आएगा इन प्रोजेक्ट्स पे, हम इसके लिए रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे। ये बात जहन में रखना चाहिए कि 250 बिलियन जो रुपए हैं अरब 250 अरब का जो मुख्तस फंड है ये गवर्नमेंट की किट्टी में इस वक्त मौजूद नहीं है। हुकूमत ये कह रहा है कि ये इतना इतना इसका खर्चा होगा, ये फंड हम जनरेट करेंगे। अब ये कैसे जनरेट होगा, किस प्रोविंस से कितना शेयर लिया जाएगा, डिविजिबल पूल से कितने उठाएंगे, इंटरनेशनल डोनर से कितना आएगा, प्राइवेट सेक्टर को कितना मोबिलाइज करेंगे, ये वो सारे अहम सवाल हैं जिस पे अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, जिस पे अभी कोई बहस नहीं हुई है और ये सबसे अहम बहस है। इस पे अगर वज़ीर आज़म साहब और उसकी टीम जब गिलगित आए तो उनको इन लाइंस पे पब्लिक को जो है कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि ये पैसे आखिर कहाँ से जनरेट होंगे, कैसे होंगे, कहाँ पड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन वे, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है गिलगित बल्तिस्तान का आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एक यू नो ब्यूरोक्रेसी है और एक लीन स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है और इसमें एक डाइकोटमी ऑफ यू नो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। एक तरफ वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों को फंडिंग आती है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होते हैं। यहाँ पर कोई इंटरेक्शन इस वक्त जो कम्युनिकेशन है वो मौजूद नहीं है। इस डाइकोटमी की वजह से माजी में ये हुआ कि बहुत सारे फंड्स मसलन छोटे मोटे हमारा जो 23 अरब का 24 अरब का जो एनुअल बजट होता था उसमें से जो डेवलपमेंट बजट का जो पोर्शन होता था जो कोई 20-25% का वो भी लैप्स हो जाता था। वो लैप्स इसलिए होता था क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन की गवर्नेंस के स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बहुत वीक है और कैपेसिटी का इशू है। मसलन आपके जो मिनिस्टर्स हैं या आपकी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं, जो आपके MNAs हैं या जो जिन जो ट्रेजरी बेंचेस पे लोग रहे हैं माजी में, वहाँ पर बहुत बड़ा मसला उस फंड के इस डेवलपमेंट के जो ओवरऑल पैराडाइम है उसको समझने का, उसकी यूटिलाइजेशन का बड़ा इशू रहा। और फिर एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी एक छोटे इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान आबादी के लिहाज से तो काफ़ी छोटा इलाका है, इसमें आप देखें तो बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है और वो ब्यूरोक्रेसी की कतन कोई ज़रूरत नहीं। उसको जब तक स्ट्रक्चर को लीन नहीं करेंगे और जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो पॉलिसी साजी के साथ उसको लिंक करके एक अकाउंटेबिलिटी का मेकनिज़म नहीं लाएँगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात को कम करके डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेंगे तो ये इस पूरे जो डेवलपमेंट और ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेसेस हैं बहुत कम्बरसम प्रोसेसेस हैं अप्रूवल्स के आगे बढ़ने, ये सारे जब तक कम नहीं होंगे इसकी यूटिलाइजेशन एक बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, जो PSDP के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो ज़ाहिर बात है वफाकी हुकूमत के होंगे और उसकी मॉनिटरिंग भी उसी तरह से होगी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मुकामी सतह पर उसकी मॉनिटरिंग, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस का जो काम है उसके लिए लोकल एक मजबूत मरबूत टीम का होना ज़रूरी है।
हैं, ये आपके मिनिस्टर्स की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे मिनिस्टर नहीं आते, वो तो इलेक्टोरल प्रोसेस से आते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह की जो आपकी जो डेप्थ है, इन डेप्थ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज की, वो नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही तगड़ी एक प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ेगी जो मॉनिटरिंग करे, ओवरसाइट करे और साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करे, और बराह रास्त वो जो है रिस्पॉन्सिबल हो चीफ मिनिस्टर को और फिर जो वफाकी जो प्लानिंग डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं उनको। 5 साल का जो मंसूबा है 2021 से 2026 तक का, ये बड़ा एम्बिशियस मंसूबा है। इसी तरह का हमने देखा कि माजी करीब में इमरान खान ने, पीटीआई की हुकूमत ने कराची के लिए कोई 1100 अरब रुपए का एक मेगा जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उन्होंने मंजूरी दे दी उसकी। उसके बाद फिर मसले शुरू हो गए। अब वो जो प्लान था उसके अंदर भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है जो गिलगित बल्तिस्तान की है। फ़ंड तो आपने एलोकेट किए लेकिन फ़ंडिंग कहाँ से आएगी ये आपने तय नहीं किया। मसलन सिंध की हुकूमत ये कह रही कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे, क्योंकि ये इसमें यह तय हुआ था कि 60% जो है हुकूमत ख़ुद वफाकी हुकूमत देगी इसके मद में, और जो 40% जो है वो सिंध की हुकूमत इसको मुख्तस करेगी। लेकिन सिंध की हुकूमत कहती है हमारे पास डिविजिबल पूल से जो फ़ंड आता है उसमें ऑलरेडी हम कोई कटौती नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मसले सामने आ गए। असल में प्लान देना अच्छी बात है, लेकिन प्लान को इम्प्लीमेंट करने, एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और फिर फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे वो चैनल्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। वो चैनल्स कराची में भी डिफाइन नहीं हुए, इसलिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है अभी तक अल्तवा का शिकार है। तो गिलगित बल्तिस्तान का मामला भी इससे सबक सीखते हुए उसको अल्तवा में न डाले, अगले जो भी मनसूबाबंदी होगी उसके अंदर फ़ंड के तरसील का, फ़ंड के सोर्सेज का बाकायदा डिक्लेरेशन हो, और साथ साथ लोकल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उस फंड को इस्तेमाल करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए बनेगा, उसके भी तफसीली उस पर गुफ्तगू हो, तो फिर आवाम को उसमें थोड़ा एतमाद हासिल होगा।